दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंजल वन के डीमेट अकाउंट को दो अलग अलग मोबाइल फोन में लॉगिन कैसे करें, यानी कि एंजल वन के डीमेट अकाउंट को दो अलग अलग मोबाइल फोन में कैसे चलाएं। दो अलग अलग मोबाइल फोन में चलाने का फायदा यह होता है, अगर दोस्तों आप ट्रेड करते हैं तो आप एक मोबाइल फोन में चार्ट देख सकते हैं और दूसरे मोबाइल फोन से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो एंजल वन के डीमेट अकाउंट को दो अलग अलग मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ डिस्प्ले पर दो मोबाइल फ़ोन दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग। इसमें एक तो एक नंबर है और दूसरा दो नंबर है। जो एक नंबर मोबाइल फ़ोन है उसमें मेरा हर समय डीमेट अकाउंट लॉगिन रहता है, लेकिन जो दो नंबर मोबाइल फ़ोन है इस मोबाइल फ़ोन में मैं अभी आपके सामने इसी डीमेट अकाउंट को लॉगिन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने एक नंबर मोबाइल फ़ोन में अपने एंजल वन के डीमेट अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें ऑलरेडी लॉगिन है। तो मैंने एंजल वन ऐप को ओपन किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है। अब मैं इसी अकाउंट को अपने दूसरे वाले मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करने वाला हूँ। तो इसे लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर इस एंजल वन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन में दूसरे वाले में प्ले स्टोर को ओपन करूँगा, और मैंने यहाँ पे एंजल वन ऐप को यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप डाउनलोड कर लेना। ओपन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देने नीचे, एक लॉगिन का एक साइनअप का। तो मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरा एक नंबर में अकाउंट बना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा एक नंबर का मैं जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है, मैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें ग्रांट परमिशन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें यहाँ से फिर परमिशन देनी है, उसके बाद हमें अलाउ पे क्लिक करना है, फिर से अलाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डाला था वो एक नंबर में लगा हुआ है। अब इस पर एक OTP आएगा, जो एक नंबर में मोबाइल फ़ोन लगा है उस OTP को हमें यहाँ पर डालना है। तो हमारा OTP आ गया है 50 61 99, 50 61 99। मैंने OTP डाला, ऑटोमेटिक यहाँ इसने OTP ले लिया और हमारा जो अकाउंट है इसमें लॉगिन हो गया है। अब जो हमारा जो पिन बना हुआ है वो हमें यहाँ पे अपना पिन डालना है, तो मैंने अपना पिन डाल दिया है। उसके बाद हमें ये हमें बायोमेट्रिक इनेबल करने की बोल रहा है, तो मैं यहाँ अभी इसको क्रॉस पे क्लिक करके हटा देता हूँ। आप चाहो तो बायोमेट्रिक इसमें लगा सकते हो। हमें आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें अलाउ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारा एक ही डीमेट अकाउंट दो अलग अलग मोबाइल फ़ोन में लॉगिन हो चुका है। जैसे अगर मैं पहले नंबर पर वॉच लिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरी यहाँ वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है। अगर मैं दूसरे नंबर वाले मोबाइल फ़ोन में वॉच लिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो यही वॉच लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं पहले नंबर वाले मोबाइल फ़ोन में वॉच लिस्ट 2 पर क्लिक करता हूँ तो ये वाले यहाँ पर वॉच लिस्ट में शेयर हैं। अगर मैं दूसरे मोबाइल फ़ोन की 2 वॉच लिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो यही सेम शेयर यहाँ पर हैं। ऐसे ही मैं 3 पर क्लिक करूँगा, यहाँ भी 3 पर क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक ही डीमेट अकाउंट दो अलग अलग मोबाइल फ़ोन में लॉगिन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आप एक ही डीमेट अकाउंट को दो अलग अलग मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से करना, और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।